अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सुबह सवेरे सवेरे 6 बजे। ये देखें जी, हम जा रहे हैं मेडिकल के लिए। आपको आज बताएंगे भाई मेडिकल किस तरह होता है, ठीक है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मेडिकल में, चाइना में कब होता है, किस तरह करना होता है। वीज़े के बगैर आप अगर वीज़ा लगवाने जाएँ तो उसके लिए मेडिकल बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, सूरज और बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हम निकल गए इधर से अपने मंजिल मकसूद की तरफ। ये जी, सूरज का व्यू आपको दिखाते हुए हम चले गए जी खिचंग हान दाओ की तरफ। और मेरे दोस्त का ठुमका दे, क्या बात, क्या नंबर है, अच्छा जी उतरे तो ये देखें जी, चाइनीज़ ने हमें डांस दिखाया, वेलकम किया। वेलकम करने के बाद मैं और मिसबा चले गई भाई नाश्ता करने के लिए। अच्छा जी, हमें मिला दही दूध, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हमने खाना है अंडा पराठा भाई। तो हमने खुद अपने लिए अंडा पराठा बनाया। चेक करें जी, ये ऑमलेट रोल पराठा पराठा खुद बनाया है। ये हमने मैंने मिसबा ने मिल के भाई अपने लिए बनाया है। आई को कहा है कि आप किचन को छोड़ दें, हम खुद मोर्चा संभालेंगे। तो खुद मोर्चा संभाला है। तो अभी मिसबा खा के ट्राई कर, मिसबा बताओ। कसम कसम से जबरदस्त जबरदस्त। ये कह रहे कि बहुत डिलीशियस है। आई नहीं जाओ शाम में इंजा, वो मत जाओ। आई का नाम वो मत जाओ है, आपको पता है भाई, भाई के लिए नाम मुश्किल होते हैं। तो आप अभी थोड़ा और रेस्ट करें, आगे वीडियो में और भी मजा आएगा। आपको मेडिकल भी दिखाएंगे, मेडिकल किस तरह होता है, क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल आपका भाई जरा बिजी है। तो पीछे शुशु भी गुस्से से देख रहा है, कहता है कि मुझे भी वीडियो मिले। शुशु निहाओ, निहाओ। हाँ शुशु भी कहता है निहाओ। ओके, आपके वो कहते हैं निहाओ। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि चाइना में लोग मदद नहीं करते। यार आज हमने इतना बेहतरीन नाश्ता किया, हमें कहते हैं आपसे पैसे नहीं लेते। तो ये आई है, मुझे कहती है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी क्योंकि आप हमारे वो है मेहमान हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानियों की बहुत कदर है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों की कदर नहीं, पाकिस्तानियों की बहुत कदर है। शुशु हेलो। तो ये इन्होंने हमें कहा है कि अभी आपको समझ नहीं आई, लेकिन इन्होंने चाइनीज में मुझे कहा है कि भाई आप हमसे तभी पैसे नहीं लेते कि आप पाकिस्तानी हैं। तो आई शीशनी, मैंने इसको थैंक यू किया है। तो देख लें भाई, चाइना में हमारी कदर है पाकिस्तानियों। अच्छा जी, मैं और मिसबा गए थे नाश्ते के लिए, जैसे कि आपको बताया। तो चाइनीज ने हमसे पैसे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए मिसबा? यार कसम से बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। सिर्फ ये बात थी कि उसने हमें बताया कि पाकिस्तान और चाइना की बेस्ट फ्रेंडशिप है, इसी बिना पर हम आपको फ्री में नाश्ता करवाएंगे। फ्री में नाश्ता करवाया और रोल पराठे भी, दूध पिया, दूध दही। यार काफी मेहमान नवाज। फिर लोग कहते पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, फिर लोग कहते पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। हाय हाय जियो। ये भाई गंजा नवाज शरीफ हमने इधर भी पैदा कर लिए, गंजे ऊपर देख। अच्छा जी, गंजे को देखने के बाद हम पहुंच गए भाई सीरियस टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जरियाब भाई, कैसे हो? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जरियाब भाई कैसे आना हुआ चाइना? चाइना के बारे में बताओ और यहाँ क्या करने आए हो ये बताओ। अच्छा जी, सबसे पहले आपके साथ नाश्ता किया जी, पेट पूजा सबसे माशाल्लाह जबरदस्त। आपको पता है हम पेट पूजा में जरा कमजोर लोग हैं, बिल्कुल हमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो अभी हम ज़्यादा सीरियस टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम आए हैं मेडिकल चिंगहांग दाओ सेंटर में। जी जी, ठीक है। तो इधर ये मेडिकल होता है बेसिकली फार्मर्स के लिए, हर साल होता है ये। इसमें HCV के टेस्ट, आपके HIV के टेस्ट, इसके अलावा जो आपके बुनियादी जो टेस्ट होते हैं, ठीक है जी जी। मतलब HIV हो गया, HCV, HBS, जितने भी मतलब एक आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बंदे से दूसरे बंदे को जो बीमारियां लग सकती हैं जी, तो उसके टेस्ट हमारे इधर ये भी करेंगे। ये हर साल होते हैं, हमने वीजा रिन्यूअल करने से पहले इधर ये टेस्ट करने होते हैं। अच्छा, तो ये नए बंदे भी करवाएंगे और ये जो भी आएंगे, मतलब हर साल आपके लिए टेस्ट होंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये। आप चाइना हमारी गवर्नमेंट हमारा बहुत ख्याल रखने के लिए हमें बेसिकली हमें ECG, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सब टेस्ट अभी होंगे। एक एक करके मैं आपको सारे टेस्ट दिखाऊंगा। ओके ओके ओके। इंटर होते ही देखे जी लंबी लाइन, तो हमने एक रशियन को पकड़ा, इंटरव्यू दो भाई। सो गाइज, एक दो रशियन दोस्त मिले हैं, तो इनसे जरा पूछते हैं चाइना के बारे में। सो ब्रदर, हाउ आर यू? यार वी आर फाइन। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रिया। निकिता। निकिता, तो इनके नाम आपके भाई को, तो नाम आपको पता है मुश्किल होते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर?
We're studying in Yinshan University. Which university? Yinshan. Yinshan. So, ye Qinghan Dao ki university hai Yinshan. Isme study karna. What you are studying here? Like major. MBA. MBA. MBA kar rahe hain. So, how was your experience about China? Actually, we studying. I give you 2 points. One thing is negative thing, and one thing is positive. You tell my viewers. Negative and positive. Positive is a lot of new food. Oh. A lot of new experience. You like Chinese food? Yeah, not everything. More tofu. How? That's beer. 太好了. Do you like this Chinese food? A lot of Chinese food. Okay. Noodles. Noodles? Yes. Okay. What about Chinese culture and Chinese people? It's great. Great? Yeah. And one negative thing? Negative thing? Maybe... Language barrier? It's really... Language barrier is a negative thing, I think. Jabo, if you ask me... Maybe. If you ask me what's the negative thing in China, Actually, I told you this thing is very negative for me, language barrier, because you know, this Chinese people cannot speak English. Yeah. Most of Chinese people cannot speak English, though this thing I feel this is a negative thing in here. So what is in your eyesight, what is negative thing? Wait a second. No, not really, take your time. Actually, I don't know what negative things can be. What about you? Nothing. Maybe English and Chinese barrier, language barrier is not difficult for me, actually. Not difficult for you? Yeah, it's too difficult for me. Okay, it's too much people. Too much people. Because in Russia, there are not so much people here, and it's a little bit crowded. Oh, and, population is too much. For Russian people, it's a little bit discomfortable in here, too much people. Yeah, too much people. Negative people. Yes, just I am introvert. Okay. Just a little. Also for you? It's just a little. Okay, not so much. तो इन ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जो नेगेटिव थिंग है रशियन पीपल बहुत से लोगों को क्राउड ये चीज़ें लाइक नहीं करते तो ये कहते हैं हमारे लिए ये चीज़ मतलब एक नेगेटिव थिंग है चाइना मेरे लिए नेगेटिव थिंग आपको पता है भाई कि इसका लैंग्वेज बैरियर है मेरे लिए ये कह रहे हैं मैं लैंग्वेज बैरियर का मसला नहीं हूँ क्योंकि रशियन चाइनीज़ थोड़ा सेम होता है तो इस वजह से इनके लिए इतना मसला नहीं होता चलते हैं अभी मेरा नंबर भी आ गया तो थैंक यू वेरी मच नाइस टू मीट यू थैंक यू बाय बाय तो सबसे पहला मरहला जी मैं और मिसबा आगे पेमेंट जमा करने का मैं इस पर कितने पैसे जमा किए हैं यार ये डॉक्टर साहब आप खुद ही देख सकते हैं 377 रुपए पाकिस्तानी कितने तकरीबन बन रहे हैं पता नहीं ये तकरीबन 18,000-19,000 यही कोई बंदे तो ये आप मेडिकल के दे रहे हैं ये पाकिस्तान में 2,000 में हो जाते हैं हाँ एक साल के लिए फिर इस कड़ाव से हम बच जाएंगे यार एक यार मजे की चीज़ जाना है मुझे बहुत पसंद है ये देखें हर शॉप में ना इस तरह वाईफाई का कोड सामने लिखा होता है कि आप भाई अगर आपके पास डेटा नहीं है क्योंकि इधर पेमेंट जितनी भी होती है ऑनलाइन होती है ना तो अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इधर से डेटा लेके अच्छा जी हम पहुंच गए पहले मरहले में पहले मरहले में सबसे पहले आपका निकालते हैं CXR एक्सरे मतलब कि आपके छाती का एक्सरे जैसा कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है इसका इंस्पिरेशन चेक करें भाई क्या हंस रहा है अंदर से विक्ट्री का निशान बना रहा है कह रहा है कि मेरा इसके बाद फिर मेरा नंबर है तो मैं अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा कि भाई फर्स्ट एक्सरे इधर कैसे होता है अच्छा जी सबसे पहले इधर होता है एक्सरे तो मेरा अभी CXR का एक्सरे होगा तो अभी देखें जी सबसे मुश्किल ये जब अपने भाई का चेक करें मुंह बहुत ही दर्द हुआ था यार उसने पूरी बाल्टी भरी लेकिन हम फिर भी विक्ट्री का निशान बनाएंगे उसने 3 ट्यूबें रखी हुई थी जी तो हमें अभी ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन भी आ गई यार ये चेक करें इधर बीपी चेक करते हैं ठीक है ये आपने जैसे इसमें हाथ इस तरह रखना है तो मशीन आपको मेजर करके बता देती है कि आपका बीपी कितना है चाइना की जदीद सहूलतें भाई ये चेक करें इसने अभी प्रेशर दे दिया मेरे बाजू को ठीक है अभी ये इधर मेजर करके बता देगा कि मेरा बीपी कितना है हमारा तकरीबन एक्सरे भी हो गया है ECG भी हो गई अल्ट्रासाउंड भी हो गया ब्लड सैंपल भी हो गया यूरिन सैंपल भी हो गया तो अभी हम आगे इसको इंटरनल सर्जरी कहते हैं मतलब आपका बीपी वगैरह और उसके अलावा आपका वेट चेक किया जाता है तो अभी ये बताएगा कि भाई मेरा वेट नहीं सॉरी बीपी मेरा कितना है तो वेट करें अभी ये सेकंड चल रहे हैं देखते हैं कितना अभी इधर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा ये देखें प्रेशर रिलीज हो गया 133/76 ये मेरा बीपी है तो अभी वजन चेक करते हैं कि वजन कितना है मेरा इस बार भाई वजन कितना है माउस
78 78 केजी का भाई।